ड्रग्स की दुनिया में आप सभी ने पाब्लो एस्कोबार और एल चापो जैसे बड़े मेजर ड्रग लॉर्ड्स का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे आदमियों ने डोमिनेट कर रखा था। आज उसी ड्रग्स की दुनिया में से मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक और मजेदार कहानी लेकर आया हूँ, लेकिन ये कहानी एक औरत की है, एक ऐसी औरत जिसे क्वीन ऑफ कोकेन, द गॉड मदर और ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता था। 70 के दशक में जिसने कोलंबिया से लेकर मियामी फ्लोरिडा यूएस में कहर मचा रखा था, जिसके नाम से अच्छे अच्छे ड्रग डीलर्स की पैंट गीली हो जाती थी। ये कहानी है कोलंबियन क्वीन ऑफ कोकेन ग्रिसेल्डा ब्लांको रेस्ट्रेपो की। In Colombia, one of the world's most powerful and violent drug traffickers has spent his first... And fear in Colombia tonight. The Colombian drug barons thought to be fleeing their government's crackdown. कोलंबिया साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया में इलीगल ड्रग्स की सप्लाई करी है। 60 और 70 के दशक में जब साइको एक्टिव ड्रग्स की डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही थी, तब कोलंबिया ही एक ऐसा देश था जो इन ड्रग्स की मास प्रोडक्शन कर रहा था और डिमांड को पूरा। 2011 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोकेन ड्रग का, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर। 70 के दशक में कोलंबिया में सिविल वॉर चल रही थी, ड्रग्स का बिजनेस कोलंबिया में तेजी से बढ़ रहा था। तब जल्दी और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इससे बढ़िया धंधा और कुछ नहीं था। कोलंबिया की धरती से ड्रग्स निकले और उन ड्रग्स के साथ बहुत सारे ड्रग लॉर्ड्स जिन्होंने अनगिनत और उस लेवल का अपराध किया जिसकी मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी कोलंबियन धरती पर 15 फरवरी 1943 में एक औरत का जन्म हुआ जो आगे चल के बनने वाली थी दुनिया की फर्स्ट एवर बिलियनियर फीमेल क्रिमिनल। ग्रिसेल्डा ब्लांको का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में कार्टेगेना नाम के शहर में हुआ था। ब्लांको की मां का नाम था एना लूसिया रेस्ट्रेपो और पिता का फर्नांडो ब्लांको। जब ग्रिसेल्डा ब्लांको 3 साल की थी, तब उसकी माँ अपने पति को छोड़ के कार्टेगेना से मेडेलिन नाम के एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है। ब्लांको का बचपन मेडेलिन की झुग्गी झोपड़ियों में गुजरा। गरीब परिवार से होने के कारण ब्लांको का बचपन बहुत ही संघर्ष भरा रहा। कभी खाने के लिए खाना नहीं तो पीने के लिए पानी नहीं। ऊपर से उसकी माँ बहुत ही अब्यूसिव थी, ब्लांको को रोज मारना पीटना और जबरदस्ती काम करवाना। ब्लांको की माँ का एक बॉयफ्रेंड था जो कि उसे छोटी उम्र से ही सेक्सुअली अब्यूज करने लगा। गरीबी, मार पिटाई और उसके साथ हो रहे दुष्कर्मों ने ब्लांको को छोटी उम्र में ही बहुत कुछ दिखा दिया और तभी उसका कैरेक्टर भी बिल्ड होने लगा। वो मन ही मन बहुत ही कठोर किस्म की हो गई जिसके अंदर दया नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। महज 11 साल की उम्र में ब्लांको ने एक अमीर परिवार के बच्चे को किडनैप कर लिया और फिरौती के रकम की मांग करी। पैसे ना मिलने पर उसने बच्चे को मार दिया और ये शायद उसके जीवन का पहला मर्डर था। और अब शुरुआत हो चुकी थी ग्रिसेल्डा ब्लांको की क्रिमिनल जर्नी की, एक ऐसी जर्नी जिसमें बहुत पैसा था, बहुत नाम था, पर एक दर्दनाक अंत। 13 साल की उम्र में ब्लांको मेडेलिन की गलियों में एक जानी मानी जेब कतरी बन गई। लोगों से पैसे छीनना, मार काट करना, ये सब उसका डेली रूटीन था। लेकिन घर पर वही माँ की पिटाई और माँ के बॉयफ्रेंड के गलत काम, इन सब चीज़ों से परेशान होकर ब्लांको ने 16 साल की उम्र में अपनी माँ का घर छोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। अब वो मेडेलिन की सड़कों पर अकेली थी, ना माँ थी ना सर पर छत। और ब्लांको ने तय कर लिया था कि अब उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना। कुछ समय तक उसने पिक पॉकेट के जरिए सर्वाइव किया। अपने टीनेज के दिनों के दौरान ब्लांको की मुलाकात हुई कार्लोस ट्रुजिलो से, जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए लोगों को कोलंबिया से यूएस भेजता था। ब्लांको और कार्लोस शादी कर लेते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, डिक्सन, ऊबर एंड ऑस्वेल्डो। कार्लोस के जरिए ब्लांको अब ड्रग्स के धंधे में उतर गई। फियरलेस और फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर के साथ ब्लांको ने कुछ समय में ही ड्रग्स की दुनिया में अपना नाम बना लिया। एक ऐसी फील्ड जिसमें ज़्यादातर आदमी काम कर रहे थे, उसमें एक औरत की अपनी एक पहचान बनाना बहुत बड़ी बात थी। उसी दौरान ब्लांको की दोस्ती पाब्लो एस्कोबार से हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड और दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल मेडेलिन कार्टेल का फाउंडर।
पाब्लो एस्कोबार ब्लांको के कैरेक्टर से और काम करने के तरीके से काफी इम्प्रेस होता है। अब ब्लांको के ऊपर पाब्लो का हाथ था। ब्लांको मेडेलिन कार्टेल के लिए काम करने लगती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कोलंबिया से ड्रग्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहुंचाना। ब्लांको अंडरगारमेंट्स के जरिए न्यूयॉर्क में और सदर्न कैलिफोर्निया में कोकेन सप्लाई करने लगती है। वो एक फैक्ट्री बनाते हैं जिसमें ब्लांको खुद अंडरगारमेंट्स को डिजाइन करती है। अंडरगारमेंट्स में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाकर उनमें ड्रग्स भर के कोलंबियन लोग टूरिस्ट बनके अमेरिका जाते हैं उन ड्रग्स के साथ, और फिर उन्हें वहां बेचा जाता है। ये काम जोरों शोरों से चल रहा था, जिसमें ब्लांको ने खूब पैसा और नाम कमाया। अगर कोई ड्रग डीलर ग्रिसेल्डा ब्लांको के साथ धोखा करता तो उसे बीच चौराहे में खुले आसमान के नीचे माथे पे गोली मार दी जाती। ब्लांको को ना ही अपने दुश्मनों का डर था और ना ही मरने का। 70 के दशक में ब्लांको अपने पति कार्लोस को डाइवोर्स देके न्यूयॉर्क अमेरिका चली जाती है, जहां उसने ड्रग ट्रैफिकिंग का बहुत ही तगड़ा और बड़ा सेटअप बना लिया था। ऐसा बोलते हैं कि एक पॉइंट पे वो पाब्लो एस्कोबार के लेवल तक पहुंचने वाली थी। अमेरिका में ड्रग्स का एम्पायर बढ़ता देख यूएस की DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसका नाम था ऑपरेशन बेंची, जिसमें बहुत से ड्रग ट्रैफिकर्स को लुकआउट किया जा रहा था, इंक्लूडिंग ग्रिसेल्डा ब्लांको। 1975 में DEA 150 किलो कोकेन बरामद करती है न्यूयॉर्क में, और साथ ही ब्लांको के 30 बिजनेस पार्टनर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब तक पुलिस ब्लांको तक पहुंचती, वो न्यूयॉर्क से कोलंबिया जा चुकी होती है। थोड़े समय बाद ब्लांको फिर से अमेरिका लौटती है और इस बार मियामी में पूरी तरह सेटल हो जाती है। ब्लांको के मियामी पहुंचने के बाद मानो मियामी में ड्रग्स की सुनामी आ जाती है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर कोकेन खरीदा और बेचा जा रहा था। मियामी से शुरू होता हुआ पूरे अमेरिका में फैला हुआ ब्लांको की ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन चेन हर महीने 8 करोड़ अमरीकी डॉलर का बिजनेस कर रही थी, यानी आज के ज़माने में 600 करोड़ रुपये के करीब हर महीने। इट वॉज द पीक ऑफ हर करियर। मियामी में ब्लांको अपने नोटोरियस एटीट्यूड के साथ नंबर वन ड्रग ट्रैफिकर बन चुकी थी। उसके नाम का लोगों के मन में भय बन चुका था। मियामी के हालत बहुत बुरे हो चुके थे। हर रोज दिन दहाड़े मर्डर, मारपिटाई और गैंग वॉर का माहौल, और ये सब की जिम्मेदार ग्रिसेल्डा ब्लांको थी। 80 के उस दशक में मियामी को होमिसाइड कैपिटल ऑफ अमेरिका और मियामी ड्रग वॉर के नाम से जाने जाना लगा। कहते हैं कि मोटरसाइकिल असैसिनेशन टेक्निक का आइडिया ग्रिसेल्डा ब्लांको का ही था। मतलब जो ये मर्डर होते हैं जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता है और किसी का मर्डर करके भाग जाता है, इस टेक्निक का आइडिया ब्लांको ने ही बनाया था। ब्लांको ने अपने बहुत से बिजनेस पार्टनर्स को मारा और अनगिनत को मरवाया। ऐसा कहते हैं कि ब्लांको ने अपने पूरे करियर में 200 लोगों की जान ली, इंक्लूडिंग अ 2-year-old बॉय माइक, जो कि मियामी में एक शूटआउट के दौरान मारा जाता है। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ हर इन मियामी, इतने लोग गैंग वॉर में मारे जा रहे थे कि बॉडीज का ढेर बन गया था। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि एक मेडिकल एग्जामिनर को मियामी बेस्ड बर्गर किंग के आउटलेट से रेफ्रिजरेटेड वैन किराए पर लेना पड़ा बॉडीज को स्टोर करने के लिए। ग्रिसेल्डा ब्लांको ने 3 शादी करी थी और अपने तीनों पतियों को उसने किसी न किसी कारण मरवा दिया। उसके टोटल 4 बच्चे हुए, जिनमें से 2 तो ड्रग्स के धंधे में कुत्ते की मौत मारे गए। एक बच्चा जो तीसरे पति से हुआ था वो अभी भी अमेरिका में है, और एक बच्चा उसका कोलंबिया में है। जब मियामी में ड्रग और आतंक अपनी पीक पर पहुंच गया, तब ब्लांको सबकी नज़र में आ गई। उसने सोचा वो फिर से भाग जाएगी और बच जाएगी। इस बार वो मियामी से कैलिफोर्निया भाग जाती है, बट इस बार उसे DEA पकड़ लेती है। 1994 में ब्लांको को अरेस्ट किया जाता है और कार्रवाई शुरू होती है। 1958 आते आते उसे 20 साल की सज़ा दी जाती है, पर 2004 में उसे रिहा कर दिया जाता है और कोलंबिया डिपोर्ट। कोलंबिया पहुंच के ग्रिसेल्डा ब्लांको अंडरग्राउंड हो जाती है और बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करके रहने लगती है। वो ड्रग्स के धंधे को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करती है। क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना के ब्लांको मेडेलिन में रहने लगती है। अपने जीवन में कमाए पैसों से वो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी। 3 सितंबर 2012, 69 साल की ग्रिसेल्डा ब्लांको मेडेलिन कोलंबिया में एक कसाई की दुकान में मीट खरीद रही थी। तभी बाइक पे सवार एक आदमी आता है, अपनी बाइक से उतरता है, कसाई की दुकान में घुसता है, अपनी बंदूक निकालता है और ब्लांको की खोपड़ी में 2 गोली मार के उसे तरबूजे की तरह फोड़ देता है। वो आदमी फिर आराम से अपनी बाइक पर बैठता है और चला जाता है।
वहां खड़ी भीड़ अपनी आंखों से सारा तमाशा देखती है, पर कोई भी एक इंच नहीं हिलता। एक ऐसी असैसिनेशन टेक्निक जिसे ब्लांको ने उजागर किया था, उसी तरीके से उसकी कहानी का भी अंत हुआ। कहते हैं कि आज नहीं तो कल ब्लांको को मरना ही था। उसके हजारों दुश्मन थे और लोग तो हैरान थे कि 2004 में कोलंबिया आने के बाद 8 साल लग गए उसके दुश्मनों को बदला लेने में। ब्लांको ने अपने जीवन में सब कुछ देखा, गरीबी, माँ की मार, उसके साथ हुए गलत काम, ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर, पैसा, इवन उसने अपनी सजा भी पूरी ख़त्म करी और फिर नॉर्मल जिंदगी भी जी। पर कहते हैं ना दोस्तों, बुरी चीज़ का अंत भी बुरा ही होता है, और ये थी ग्रिसेल्डा ब्लांको की कहानी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बहुत सारी क्वालिटी और अच्छी वीडियोज़ बनाने की। अगर आप और भी ड्रग लॉर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी पास्ट में बनाई पाब्लो और एल चापो की वीडियोस ज़रूर देखें, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज, अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।